लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर एवं बांसगांव संसदीय क्षेत्र में पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 पालियों में संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें रैंडमाइजेशन से लेकर पोलिंग स्टेशन की कार्रवाई की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडेय ने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निर्विघ्न एवं सकुशल संपन्न कराने में पोलिंग पार्टियों का विशेष योगदान होता है। यदि आप लोग यहां बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो चुनाव के दिन आसानी से कार्यों को पूरा कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग पार्टियों को ईवीएम वीवीपैट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वीवीपैट मशीन में मतदाता अपने वोट देने वाले प्रत्याशी का नाम एवं चुनाव चिन्ह व अन्य जानकारी 7 सेकंड तक देख पाएगा। उसके उपरांत वीवीपैट पर दिखने वाली पर्ची स्वतः बॉक्स में सुरक्षित गिर जाएगी। इस मौके पर सीडीओ अनुज सिंह, जीडीए वीसी अमित सिंह बंसल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपने मीडिया में पढ़ा भी होगा तो कोई मतदान कार्मिक जाके किसी अन्य पार्टी का बटन दबा दिया और वोटर बाद में शिकायत कर रहा है। बड़ी कॉमन सेंसिकल चीजें हैं, इनमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें। आपको भी पता है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है। पर यदि जिले स्तर पर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी कार्मिक की कोई शिकायत प्राप्त होती है कि उसने द्वेषवश अथवा किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए या हानि पहुंचाने के लिए किसी दुर्भावना से कोई कृत्य किया है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई अपनाई जाएगी। इस पेज पे भी होंगे। एक विधानसभा क्षेत्र हमारा खजनी का है, उसका नामांकन प्रक्रिया भी चल रहा है। उसी का 12 मई का चुनाव होगा। क्षेत्र है हमारा, उस पर 19 मई का चुनाव होगा। और अब जानते हैं आप ही लोग, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। 3870 बूथ हैं गोरखपुर में, और पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी जो आपके साथ जो साथी लगे हुए हैं, आप ही लोग एक तरफ से पूरा मत, जो जनता का मत को कैचर कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रांग रूम में सील करके रखते हैं, उसके बाद प्रक्रिया होता है। हर बार कहने के बावजूद भी कुछ लोग ट्रेनिंग का बहुत हल्के में ले लेते हैं। अभी तो हम लोग का लगभग रोज इलेक्शन कमीशन का मीटिंग होता है, चलता है। अभी अब जानते हैं 2 फेज का चुनाव समाप्त हो चुकी है, 3रा फेज का आज संभवतः चुनाव पड़ रही है। आजकल 3 फेज अभी लगभग तो उत्तर प्रदेश में तो निकल ही गया है, ये पूरा देश में हो रहा चुनाव। उस पर जो हम लोग, उत्तर प्रदेश बड़े प्रदेश है इसलिए 7 फेज में हो रहा, 3 फेज उस पर निकल गया, हम लोग अंतिम फेज में है।
वो जो कितने फर्स्ट फेज सेकेंड फेज में त्रुटि होता है हम लोग को, तो फिर एक तरफ से सचेत करने के लिए बुला करके कमीशन वाले बताते हैं ये इतने बार कहने के बावजूद ये त्रुटि हुआ है। उसी पे मैं बार बार दोहराना चाहता हूँ, ये त्रुटि बार बार होती है, वो तो ये जो मार्क पोल के बाद क्लियर नहीं कराते हैं, कितने बार कहने के बाद भी होता क्या है, सुबह जो चली आप लोग ट्रेनिंग हो गया बढ़िया सारे हो गया, यहाँ से सामग्री लेके गए तो ठीक है, सुबह तो मार्क पोल आप समय को भी इस बार तो फर्क है, समय एक एक घंटे बढ़ा दी गई, अभी 7 से शाम को 6 बजे तक समय हो गया, इन्हें 2 घंटे की वृद्धि हो गई पिछले चुनाव से, ये भी फर्क है, यानी तो 7 बजे मतलब आपको 6:30 से मार्क पोल कराना होगा, ताकि कम से कम 50 मार्क पोल आपका कराना होती है जो आपके एजेंट के सामने करा के फिर उसको सील करके अलग रखेंगे और उसका अलग गिनती तो फिर तब चुनते समय में होता है। इस पे बड़ा त्रुटि और मेजर गलती होती है जो मार्क पोल के बाद क्लियर बटन दबा करके उसको सील कराना होता है, उससे करते नहीं, उससे होता क्या है जो 50 जो मार्क पोल का वोट है वो भी गिन जाता है साथ साथ, इतने बड़ा त्रुटि हो जाता है, उसी की वजह दोबारा चुनाव करना पड़ता है, छोटी सी त्रुटि है बट उसी की वजह पूरे काम मेहनत पूरा बर्बाद। दूसरा चीज है चुनाव के बाद क्लोजिंग बटन नहीं दबाते हैं, ये भी है, वो तो फिर काउंटिंग के दिन हम लोग के सामने आता तो बड़ा समस्या के रूप से आता है। और तीसरा चीज है जो मान लीजिए छोटी छोटी, पहले जैसे नहीं, इस बार तो हम लोग के पास मशीन है बहुत नया है, सोफिस्टिकेटेड मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है, इस पे फर्स्ट लेवल चेकिंग में बिल्कुल ना के बराबर जो कोई एरर निकला है हम लोग का, सेकेंड लेवल चेकिंग के बाद जो आपका कैंडिडेट सब सेट होने के बाद आपको मशीन देते हैं, इसके एरर का तो ना के बराबर का संभवता है इस पे, बट इस पे जो मामूली एरर होता है मान लीजिए बैटरी लो है, पहले तो केवल लो हाई ऐसे दिखाता, इस समय में परसेंटेज दिखाने लगेगी मशीन, नया मशीन है इसलिए 90% बैटरी 80% बैटरी ये बैटरी का जो है वो भी इंडिकेट करता है, पर एरर है किस टाइप पे एरर है, लिंक एरर है इत्यादि, पहले जो अलग अलग कोड होता था इस समय में पूरा बताती है मशीन आपको, ये फलाना जो VVPAT का बैटरी वीक है और लिंक में ये जो ये फलाना लिंक ये खराब है, सारे चीज बताती है, पहले से बहुत सरल की गई है। अब इसके साथ साथ एक नया चीज जुड़ा हुआ VVPAT मशीन, VVPAT में कोई मेमोरी नहीं होता है, केवल प्रिंटिंग डिवाइस है, जो भी बटन दबाता है 7 सेकेंड तक उस पर दिखता है, उसके बाद गिर जाता है। इस बार आप पेपर में पढ़े होंगे हर विधानसभा में पहले कम से कम एक VVPAT मशीन का मैनुअल गिनती होता था, यानी जो लोग निकल करके उसको गिनते थे, अभी उसको संख्या बढ़ा दी गई, अभी तो फिलहाल हम लोग निर्देश के लिए इंतजार कर रहे हैं, पेपर के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से हर विधानसभा में 5-5 बूथ में गिनना है, और उस पर गिन के तो फिर कैंडिडेट के सामने रख के फिर उसको संतुष्ट कराना है। पहले से हर चुनाव का प्रक्रिया बदल जाती है, ये VVPAT मशीन बिल्कुल नया आया है, एक एक घंटे समय तो बढ़ाया गया है, ये भी बिल्कुल नया है, और जो उस पर दिया हुआ प्रक्रिया है ये भी तो जरूर 2-3 चीज नया शामिल होते रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज बताने चाहता हूँ, पिछले बार जो मतदाता पर्ची केवल लेकर के वोट दे सकते थे, इस बार सख्त मना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, केवल मतदाता पर्ची लेकर के कोई आदमी आकर के वोट नहीं दे सकते हैं, पिछले चुनाव में केवल मतदाता पर्ची से वोट देने के लिए आ जाते हैं हम लोग अलो भी कर देते हैं, इस बार उसके अलावा 12 वैकल्पिक के रूप से कुछ ना कुछ कागज लेके आना होगा, यदि एपिक कार्ड हो, उनका जो मनरेगा कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, बैंक कार्ड है, वो 12 का विकल्प दिया हुआ है, वो भी आपको पढ़ाएंगे बताएंगे। इस पे वोटर स्लिप पहले होता था, वोटर स्लिप सख्त मना कर दिया, वोटर स्लिप केवल एक सूचना के रूप से सुविधा के रूप से वो यूज कर सकते हैं, केवल वोटर स्लिप ले आकर के कोई व्यक्ति वोट नहीं दे सकते हैं, ये पहले चुनाव से ये भी फर्क है। ये इसी टाइप का जो छोटी छोटी मुद्दा होता है बट यही मुद्दा उसी दिन बड़ा समस्या के रूप से आपके सामने खड़ा हो जाता है, इसलिए जो ट्रेनिंग कितने ध्यान से आप करते हैं उतने सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। कितने बार भी कहने के बावजूद 90% व्यक्ति तो बहुत अच्छा सुनते हैं, आराम से कर देते हैं, बट कुछ लोग शुरुआत से कर रहे थे, अरे यार मेरा इलेक्शन में ड्यूटी लग गया, मेरा हो गया फलाना, यार ये देखिए देश का इतने बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, 5 साल के एक बार हम लोग को प्रधानमंत्री चुनने का मौका मिल रहा, उस पर हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं हो सकता देश को आप करने का। आप केवल आपका मत का प्रयोग नहीं कर रहे हो, किसी के मत का अधिकार का प्रयोग करवा भी रहे हो, इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं हो सकता। एक बूथ का एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1400 मत का मताधिकार का लेके जा रहा है, इससे बड़ा मैंडेट आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये अच्छा सेवा है। ये तो देखिए हम लोग का एटीट्यूड चेंज करने के बाद
गर्मी है, सारे चीज, हम लोग भी आपके साथ ही रहेंगे, ऐसे नहीं। और हमारा मतदाता है, नागरिक है, वो भी आएंगे, हम कोशिश करेंगे लाइन में लाल नहीं लग जाए, वो जल्दी से जल्दी वोट दे के चले जाए। आपको भी सुविधा हम लोग पूरा ध्यान में रखते हुए बढ़ा रहे हैं, हर जगह आपका अच्छा शौचालय मिलेगा, पहले जैसे नहीं, पेयजल की व्यवस्था होगा। आपका जो अगले दिन पोलिंग है तो उसके एक दिन पहले मानदेय आपके हाथ में नगद रूप से मिल जाएगा, और आपको भोजन बनाने के लिए 3 रसोई वहीं रहेंगे, पूरा आपको सुबह से शाम तक चाय नाश्ता जो भी है सारे व्यवस्था कराएंगे, ले जाना है आने सारे सुविधा हम लोग करेंगे। आपको जो भी कितने जो वेलफेयर मेजर्स सबके ध्यान में रखते हुए करना है, जो हम लोग के क्षमता के हिसाब से जिला प्रशासन कितने कर सकते हैं जरूर उससे ज्यादा बढ़ के करेंगे, बट ये इस पे मन में निकाल दीजिए ये बेकार का ड्यूटी ये है, ये फिर इस ऐसे सोचेंगे तो आप सरकारी कर्मचारी होने के लायक ही नहीं है। इस पे एक तो जनरल ब्रीफिंग तो हो गया है, 50-50 ग्रुप में हम लोग हर कमरा में इसी टाइप का प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वहाँ हर मास्टर ट्रेनर आपको समझाएंगे पढ़ाएंगे। साथ साथ इस बार 281 सेक्टर मैजिस्ट्रेट हमने लगाए हैं, सारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट मास्टर ट्रेनर के रूप से भी काम करेंगे। आपका किसी भी समय में आपका मशीन गड़बड़ हो गया है, कोई आपका डाउट पूछना है, किस फार्म का कैसे भराना है, सारे जानकारी वहां का आपका सेक्टर मैजिस्ट्रेट साहिबान बता देंगे।